और क्या याद है बचपन का? और क्या होता था, क्या करते थे? मैं और इतना नोटिस, ये लोग मुझे ना कॉफी पिला रहे हैं सब लोग, क्योंकि ठंड हो गया ना यहाँ पर ज्यादा, इसलिए ये देखो राहुल देखना कॉफी ठंड को जो मुंह में आओ ठंड का आनंद लो। और पढ़ने बड़ा को कीड़ा जब भी जम्मू घूमने आए यहाँ पे जरूर आए, युगल सॉन्ग्स में शॉपिंग ना करें, बाकी सारी जगह करें। इसकी शॉप में शॉपिंग ना करें क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। या तो नोट लेकर आए खूब। हेलो, ठीक है तू बता। हेलो, बस इधर ही लग रही है। हेलो, कहाँ को भाई? बस यार ये हमारा नेक्स्ट फ्रेंड, इसका नाम है दिशांत। इसे भी तुम व्लॉग बना रही है, और ये यहाँ पर है, यहाँ पर आए। और यहाँ तक दिलाने वाला था उससे ना, वहीं से उत्तराखंड से बोल रहा था कि हम तो आना बटा भी बंद होगी कर लाना फिर। नहीं आज ही दिलाएगा, कल तो मैं जा रही हूँ। अब यहाँ कहाँ देखेगा, दुकान तो बंद हो रही है। नहीं वो क्या, सभी देख वापिस आ रहे हैं। रात को छत पे रहना पड़ेगा मुझे भी। क्यों वहाँ से आ तो रहे हो? छुट्टी कर रहे हैं ये गाय। तो मुझे खाली झूठ बोल रहा था कि तुझे दिलाऊंगा करके। आप देखो भाई तुम लेट हो, मैं लेट नहीं हो रही क्यों? उसने अभी मैंने बोला कि तुम वीडियो कॉल पे दिखा दो, वीडियो कॉल में फोन डिपॉजिट होता है। कोई ना, मैं तुम्हें पार्सल कर दूंगा। नहीं कल तो अभी है टाइम, कल है ना? हां बस ठीक है, शाम रात करते हैं, शाम को जाना। जब वहाँ पर मिलते हैं फिर वहीं जाके बात करते हैं। अभी तो हम यहाँ पर घूम, मतलब आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे, तो इसने बोला रजत ने बोला यहाँ पर दिखा लेता हूँ यहाँ पर तेरे, तब जाके मैंने कहा इसका भी यहीं पर पड़ता है गांधीनगर में, इसकी शॉप है जो यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो यहाँ से इसको भी इसका फेस भी दिखाते हुए चलते हैं। फिर सब तो मिल ही गए हैं, और एक लास्ट फ्रेंड है वो पता नहीं कब रात तक जब उसको टाइम मिलेगा तो तब दिखाएंगे उसको। जब भी जम्मू घूमने आए यहाँ पे जरूर आए, युगल सॉन्ग्स में शॉपिंग ना करें, बाकी सारी जगह करें। इसकी शॉप में शॉपिंग ना करें क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। या तो नोट लेकर आए खूब। अच्छा होटल पे जाने, चलो हम वहीं पर मिलते हैं, जहाँ पर हम स्टे करें वहीं पर मिलते हैं। चलो चलो फिर
कॉफी शॉप में ही तक घूम रहा हूँ। फिर और सुना क्या मरा दिया तुमने तो ठंड में? अरे मैंने मरा दिया क्यों? टीका पत्र वो फैल गया है। टीका फैल गया तेरा यहाँ से? मैंने मैं काम से तुरंत काम से उठ के सीधे स्पेशली मेरे लिए यहाँ पर फ्री होकर आया है। मतलब फ्री क्या, फ्री तो नहीं था बट मेरे लिए स्पेशली आप मुझसे मिलने आए क्योंकि मैं कल जाने वाली हूँ। इसलिए तुमने मम्मी को बताया मैं आ रही क्यों? मम्मी को बताया मैं आ रही क्यों? सबने मम्मी पापा बता दिया कि प्रिया आ रही है। सबने बता दिया प्रिया आ रही। प्रिया तो आंटी तन्ना पहचानती होगी मेरे को, पहचानती है इसलिए बोलता था चल चल करके। स्पेशली मेरे लिए मतलब अपना कीमती समय निकाल के आर का स्पेशली मेरे लिए, वरना इसके पास टाइम नहीं था। मतलब सब लोगों के पास जितना जितना टाइम हो पाया तो अपने निकाल के आए हैं। अभी बाकी लोग अभी पॉसिबल हो पाए तो अभी फिर से मिलूंगी। अभी इसको तो जा रहा है, अभी फिर से वहीं जाना पड़ेगा दोबारा से काम पर। घर जाना सीधा? अच्छा, व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहते हो, कैसा लग रहा तुम्हें? और मतलब कुछ मतलब पुरानी याद है कुछ मैसेज कुछ बताओ। पुरानी याद तो यही है बस, ये लड़की इतनी चिड़चिड़ी थी, अब बेचारी बहुत शरीफ हो गई है। क्लास में रबड़ पेंसिल के लिए रोया करती थी, ये तो मुझे याद ही नहीं है मेरे पर। और पढ़ने पढ़ाकू कीड़ा आपका पता नहीं अब कैसी है। उस टाइम तो पढ़ाकू कीड़ा रोल नंबर 2 होता था इसका क्लास में। एक बोल रहा कि मेरा रोल नंबर 3 हुआ करता था, राहुल का 3 हुआ करता था, और ये बोल रहा है मेरा 2 हुआ करता था। और मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा रोल नंबर क्या होता था। मेरे को याद है रोल नंबर 2 था। हमारे वहाँ रोल नंबर अल्फाबेटिकली नहीं होता था, हमारे वहाँ रोल नंबर वो क्या बोलते हैं रोल नंबर वाइज बेंच मिलता था बैठने के लिए। रोल नंबर वाइज जो वो रोल नंबर होते थे तो ऐसे डिसाइड होता था कि कौन फर्स्ट आया सेकंड आया, जो फर्स्ट आता था उसका रोल नंबर 1 होता था, जो सेकंड आता था। बाकी जगह क्या होता है कि बाकी जगह नाम के हिसाब से होता है फिर बैठने के लिए ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। और रोल नंबर के हिसाब से बेंच डिसाइड होते थे कि रोल नंबर। हां तो इस हिसाब से तो फिर मैं, हां इस हिसाब से मैं मतलब थर्ड आती थी तो मेरा थर्ड हुआ करता होगा। सेकंड या तो मैं थर्ड होती थी तो ऐसे ये रोल नंबर सेकंड या थर्ड होता था, वरना सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये सब ना रोल नंबर सेकंड और मैं इसकी क्लास का बैक बेंचर। इसने बहुत पिटाई खाई है बचपन में, इतना मुझे याद है कि इसके बैक बेंचर्स हुआ थे। और उसकी सिस्टर भी हुआ करती थी, वो भी मतलब जिसकी सिस्टर थी वो भी मेरे साथ में पढ़ती थी। ये दोनों भाई बहन जो थे वो साथ में पढ़ते थे हम, बट वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो अब जॉब करती है पुणे में, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया उससे मिलना। नेक्स्ट टाइम पर अगर मैं आऊँगी क्या पता उस टाइम पर होगी तो फिर मिलूँगी। गलत उसका नाम देखिए, हमारी कॉफ़ी आ चुकी है पर हमारी कॉफ़ी आ चुकी है और इसमें ज़्यादा ही गर्म कुल्लड़ वाली कॉफ़ी है ना, कुल्लड़ वाली कॉफ़ी बोलेंगे ना। आज रात में मुझे लगता है कि अपने दोस्तों से मिलने में ही चले जाएगा, कल तो जाना ही है। 3 दिन तो हम बेड में तो कहीं गए नहीं, तो आज ही पूरी तकती आज ही तोड़ देते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलकर, ऐसे नहीं होना ना वैसे ही खाना। मुझे तो ज़्यादा कुछ याद नहीं, इन लोगों को याद है ज़्यादा, इनको ये पता है कि मैं फर्स्ट क्लास मतलब पढ़ाकू थी ये था। जय माता दी। और कुछ बताओ मेरे उसमें, और क्या याद है बचपन का, और क्या होता था, क्या करती थी मैं? और एक तेरी नोज बहती रहती थी इतना नोटिस, और तेरी मम्मा वो हैंकी लगा के भेजती थी इधर को शोल्डर के साथ में ना, हैंकी लगा के टांग के वो उसके साथ सेफ्टी पिन के साथ। नहीं वो वैसे ही भेजती होंगी, नहीं वो कोई फैशन, वो थोड़ी फैशन थोड़ी था उस टाइम पे कि नहीं, वो तो भाई के भी लगाती थी, मेरे नहीं लगाती थी अलग से, तेरे ही लगता था तो नोटिस नहीं किया होगा। और क्या, नोज बहती रहती थी तेरी, ठंड आज भी बह रही है ठंड के मारे तो घुमा दे इसने मेरे को, आज भी बह रही है ना।
पर आज हैंकी नहीं है। आज हैंकी नहीं है, आज इसकी ही रही है क्योंकि अभी घुमाया बहुत ठंडा हो रहा है इसके बाहर। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि ये मेरे फ्रेंड हुआ करते थे और बाकी मुझे ये पता है कि इनकी पिटाई खाया करते थे, बहुत पीछे बैठते थे, इतना याद है मेरे को। और मुझसे चीटिंग भी किया करते थे ये लोग, है ना? तो मुझसे चीटिंग करता था। हाँ, पेपर के टाइम पर पूछता था, बता दे, कुछ बताती नहीं। ठंडी हो गई है, मेरी जीप जल जाती है। रजत बटन्स वगैरह का काम करता है, तो ये देखिए फोटोज। केदारनाथ हम खुद ही नहीं जा रखे, केदारनाथ हम खुद ही नहीं जा रखे। रास्ता वहीं से जा रहा है हमको यहाँ छोड़कर, हमारी गली यहाँ को है, हमको जो जाना है ये वाली गली। नहीं चाय ये लोग मुझे ना कॉफी पिला रहे हैं सब लोग, क्योंकि ठंड हो गया ना यहाँ पर ज्यादा, इसलिए। ये देखो राहुल, देखना कॉफी ठंड को जो मुंह में आओ, ठंड का आनंद लो। चला ये चलते चलते कॉफी पिला रहे हैं मुझे, देखो ये तो ऐसे पी रहा है। कैसी हो रही है, ज्यादा चीनी तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, नॉर्मल है ये तो। उसे पता नहीं क्यों चीनी डाली, पीते नहीं। सात मंदिर यहाँ का, इसमें बहुत सारे देवी देवता की फोटोज लगा रखी है यहाँ पर। इसकी बाहर जो ये जगराता टाइप का हो रहा है, ये उसी का हो रहा है। और अब यहाँ पर खत्म भी हो चुका है जगराता, तो सारे लोग आप प्रसादी वगैरह यहाँ हाथा जोड़ रहे हैं वहाँ पर, आप देख सकते हो। यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सब लोग स्टेज पर सब छूट चुके हैं यहाँ पर। वहाँ से देखिए जस्ट बगल में ही हम वहाँ पे स्टे कर रहे हैं यहाँ पर ना। मैं इनको अपने रूम पे लेकर आ गया, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, वो मूर्ति देख रहा है।